नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकर, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं आपको ये तुलसी प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मेनली ये प्लांट्स की क्या डिजीज़ होता है और उसको कैसे आप संभालेंगे। तो चलिए इसके ऊपर मैं जो है आज पूरा जानकारी दूंगा, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरा जो चैनल गार्डन रूफटॉप, अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जो है मेरा मंदिर की मैं दर्शन कराता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक मंदिर है और मंदिर के टॉप में भी कुछ प्लांट्स जो कि मैं कई बार मैं देखा चुका हूँ। तो अभी जो है ये कुछ जो तुलसी का प्लांट्स जो मैं नीचे ग्रो कर रहा हूँ, तो उसको देखिए, ये जो तुलसी प्लांट्स है आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसमें ये ग्रोथ किया है, ये कितना बढ़िया जो तुलसी है। तो इसको ग्रो करना जो है बहुत ही इजी है दोस्तों, इसमें जो है केयर केवल जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा सनलाइट चाहिए, 2-3 घंटे की या तो 4 घंटे की सनलाइट और थोड़ा सा वेल ड्रेन्ड सॉइल और साथ में थोड़ा ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है उसको अगर आप समय पे मतलब 3 महीने में भी एक बार अगर आप इनको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो ये अच्छी तरह चल जाएगा, अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। तो आप देख ही रहे ये, जबकि यहाँ पे मेरा जो है इसी जगह पे रखा है मंदिर के सामने, यहाँ इतना ज़्यादा धूप भी नहीं आती है, इस धूप यहाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा धूप यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों ये फिर भी जो है समर में थोड़ा बहुत धूप इस तरफ आता है और विंटर में तो बिल्कुल ही इस तरफ नहीं आएगी धूप, तो उस टाइम जो है इस तरफ मतलब जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इस साइड में थोड़ा बहुत तब धूप आती है। तो दोस्तों इस तरफ जो है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए ये धतूरा का मतलब जो है प्लांट्स है, ये एक टाइप और ये दूसरा टाइप का है, ये बहुत बड़ा बड़ा होता है और कलरफुल मतलब इसमें पर्पल कलर टाइप एक पर्पल नहीं दैट इज पिंक कलर टाइप पिंक कलर का जो है धतूरा ये इसका प्लांट्स है ये। तो दोस्तों ये ग्रो हो रहा है, अभी तक फ्लावर इसमें नहीं आया, तो उम्मीद करता हूँ अभी थोड़े दिनों में इसमें भी फ्लावर ये भी इसमें भी फ्लावर आएगा। तो बाकी ये यहाँ पे जो है थोड़ा आप देखना है, ये फेंसिंग के साथ जो है अपराजिता ग्रो हो रहा है और बहुत सारा फूल भी इसमें होता है, एक वाइट भी है और एक ब्लू भी है, दोनों ही पौधा जो है यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मेन जो है आज मैं तुलसी प्लांट्स की जो डिजीज़ है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसको ग्रो करना इतना मतलब ये बात नहीं है, आप आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, जबकि ये एक होली बसिल है, तो ये जो है ये घर घर में इनको पूजा होता है, तो तुलसी माता जी का जो है सभी के घर पे मतलब हिंदुओं के घर पे इनका पूजा होती है। तो दोस्तों चलिए इसका जो मेडिसिनल वैल्यूज़ है उसके बारे में तो सभी जानते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं 2-3 वीडियो और अपलोड किया ये तुलसी प्लांट के ऊपर, तो उसी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस लिंक से आप उनको उनका इसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ये जो डिजीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, तो पहला जो है देखिए ये जो आप लीव्स देख रहे हैं ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम आता है तक जब आप देखते होंगे कि ये लीव्स जो है थोड़ा बहुत आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है छोटा छोटा हो जाता है, ये छोटा छोटा हो जाता है मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होता है, लिप्स बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है। तो इसका जो है मेन रीज़न इसका है इसमें फ्लावर आने का टाइम हो गया, तो ये फ्लावरिंग जब आ जाएगा तो आपका जो लिप्स है वो छोटा हो जाता है और फ्लावर होने के बाद जो प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो आपका बंद हो जाता है। तो आप देखिए ये मैं दिखाता हूँ आपको, तुलसी जो है ये दूसरा टाइप का, एक तो ये जो है श्याम तुलसी और ये राम तुलसी जो बोला जाता है। तो चलिए ये श्याम तुलसी जो है थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, इसमें देखिए ये जो फ्लावर आ गया, तो ये छोटा पत्ता के बाद ही जो है ये फ्लावरिंग आ जाता है, उसके बाद जो है मतलब ये फ्लावर अगर आप तोड़ नहीं देंगे तो फिर इसका जो ग्रोथ है ये रुक जाता है। तो दोस्तों चलिए ये जब भी मतलब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मतलब क्या ना ये फ्लावरिंग आता है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये देखिए ये सब तोड़ा हुआ है, तो इसके बाद जो
ये दूसरा ब्रांच आएगा साइड से, तो वो जो है उसका लीव्स जो है वो ग्रोथ होगा, वो अच्छा बड़ा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आपको देखना है इसका, जैसे कुछ पेस्ट के अटैक जैसे मिलीबग्स हो, एफिड्स हो, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इसको जो है पेस्टिसाइड्स अगर यूज़ मतलब इसमें ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि ये जो है तुलसी का पत्ता ये खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जो है एक जो हर्ब है ये, तो इसका जो जूस है उसको पीते हैं, इसको चाय बना के पीते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादातर केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है उसको यूज़ नहीं करते। तो इसलिए इसको यूज़ आप करना है, जैसे हल्दी का पाउडर जो है उसको घोल के आप इसमें आप दे सकते हैं, तो उसको या तो मिली बग्स होगा तो जैसे स्प्रेइंग मशीन से आप उसको धो सकते हैं ताकि ये मतलब कहना वो निकल जाए यहाँ से। तो दोस्तों अदरवाइज आप उसका जो है हल्दी डाल के इसको जो है आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हल्दी को घोल के इसको दे सकते हैं ताकि इसमें पेस्ट का जो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट आप देख रहे हैं आप कितने सारे, ये देखिए ये जो पौधा जो है ये पेंट्स की डब्बा में मैंने ग्रो कर रहा हूँ, तो ये आसानी से ये ग्रो हो जाता है, ऐसे कोई मतलब इतना ज़्यादा इसमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि थोड़ा सा आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम मतलब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो जो डिजीज़ एक है वो कि लीव्स गिरने का जो पत्ता झड़ जाते हैं, तो वो अगर ज़्यादा पानी होगा या तो अंडर वाटरिंग भी होगा तो भी इसका जो है लीव्स या तो झड़ेगा या तो जो है पीला हो जाएगा। अदरवाइज़ एक चीज़ और है, अगर पीला जो ऐसे देख रहे हैं ये देखिए ये जो पीला हो रहा है, ये नीचे वाला पत्ता जो ओल्ड पत्ता है ये पीला हो रहा है, अगर ओल्ड पत्ता पीला हो रहा है तो इतना ज़्यादा मतलब कहना हो सकता है ये पुराना हो गया इसलिए पीला हो रहा है। तो अगर ये इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है तो इसमें जो है देखिए ये बिल्कुल जो है टाइट है, इसमें पानी मतलब कम से कम कितना दिन नहीं पड़ा होगा, तो इसीलिए जो है ये पत्ता ये जो लीव्स है ये पीला हो रहा है। ओवर वाटरिंग से भी पीला हो सकता है और अंडर वाटरिंग से भी पीला हो सकता है। और एक जो है दोस्तों तीसरा जो है दोस्तों वो है मैग्नीशियम की कमी के कारण से भी पीला हो सकता है। तो मैग्नीशियम का कमी होगा तो फिर आप मतलब थोड़ा बहुत जो है एप्सम सॉल्ट पानी में घोल के आप इसको देंगे तो ये पीला जो लीव्स है ये ख़त्म हो जाएगा, अब धीरे धीरे जो है या फिर ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट एक डिजीज़ है जो कि आप देखते होंगे कि पौधा जो है वो मतलब उसका ग्रोथ होता ही नहीं है, तो इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों या तो इसको सनलाइट ठीक से नहीं मिल रहा है, या तो आपका जो सॉयल है सॉयल में तो जो फर्टिलाइज़र है जो न्यूट्रिशन है उसका कमी हो गया, तो उसके कारण जो है आपका जो पौधा है वो बढ़ता नहीं है। ये कितना अच्छा मतलब इसका ग्रोथ किया, कम से कम जो है इसमें 2.5 फुट का मतलब ऊंचाई मतलब 2 फुट का कम से कम ऊंचाई हो गया, और कितना अच्छा इसमें ये जो बूशी हो गया और मतलब कितना ग्रीनरी है, कितना ग्रीन है ये। तो दोस्तों चलिए अगर मतलब पौधा जो है अगर न्यूट्रिशन अगर उसको नहीं है एकदम बिल्कुल तो भी फिर उसमें क्या है उसका ग्रोथ रुक जाता है, और अगर उसको सनलाइट ठीक से नहीं मिलेगा तो भी उसका जो है ग्रोथ रुक जाता है। तो इसीलिए जो ग्रोथ है अगर नहीं होता है तो फिर आपको उसको कम से कम जो है 3-4 घंटे का जो सनलाइट है और कम से कम 2-3 महीने में एक बार जो है इसको न्यूट्रिशन आप दें, जैसे आप काउडंग मैन्यूर दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, नीमखल दे सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं, सब मिला के मतलब पानी में डाल के आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो इनका जो डिजीज़ इतना तो ज़्यादा खास मतलब क्या होता नहीं है। तो दोस्तों एक मतलब हेल्दी और मतलब अच्छा ये तुलसी प्लांट है उसको मतलब ग्रो करना इतना ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसको मतलब ये जो बीज आप देख रहे हैं ये जो ये फ्लावर देख रहे हैं इसका बीज बनता है, और ये अपने आप ही जो है एक बार अगर तुलसी का प्लांट अपने मतलब ग्रो कर रहे हैं तो फिर उसी मतलब तुलसी का जो ये जो बीज है ये इधर उधर मतलब हमेशा आपको पौधा जो है वो ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप मतलब जो है डिजीज़ इतना ज़्यादा मतलब कहना होता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने से जैसे पत्ते झड़ना, पत्ते पीला पड़ना, देन पेस्ट का प्रॉब्लम जैसे एफिड्स मिलीबग्स ये सारे जो है अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो नहीं होगा, तो आपका पौधा भी जो है स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा
और जबकि आप जानते ही हैं ये जो प्लांट्स है, एक तो होली बसिल है, मतलब हिंदुओं का एक पूजा वाला जो प्लांट है लक्ष्मी, ये जो तुलसी माता जी की पूजा होते हैं, और दूसरा जो है एक मेडिसिनल वैल्यू, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत है, तो ये ग्रो घर पे ग्रो करना बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा जो चैनल गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी इसके साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।